आई हैव नो हेडेक, मुझे सर दर्द नहीं है। आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मैं पहले जैसा ही हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन। मेरे साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी जब एक लड़की को चुनने की प्रक्रिया मुझे करना था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मुझे घूरा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। आओ चलो शास्त्री से मिलते हैं, मैंने सुझाव दिया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू आर नॉट। हम पता करेंगे कि तुम्हारा गुरु सनी और तुम्हारा गुरु सनी तुम्हारे लिए अनुकूल है या नहीं। रंगा एकम्पनाइड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा कोई विरोध किए बिना मेरे साथ हो लिया। एज सून एज शास्त्री स्वामी ही एक्सक्लेम्ड, ज्यों ही शास्त्री ने मुझे देखा उन्होंने आश्चर्य से कहा, व्हाट ए सरप्राइज श्यामा। श्याम क्या आश्चर्य है तुम्हें देखकर, हैवेंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, तुम्हें काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा था। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, श्यामा कोई और नहीं है आपका सेवक है, इस कहानी का कथाकार है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं गुस्सा गया और चिल्लाया, वाट क्या, ओनली दिस मॉर्निंग, सिर्फ इसी सुबह। इतना मैं बोला, शास्त्री कंप्लीटेड माय सेंटेंस, और फिर शास्त्री ने मेरे वाक्य को पूरा कर दिया। क्या बोला शास्त्री ने, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, आपने अपने सारे काम पूरे किए, एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, और तुम अब फ्री हो, मुझसे मिलने आए हो। हैड ही नॉट डन सो, क्या उसने ऐसा नहीं किया। आई वुड हैव रुइंड, हैड ही नॉट डन सो, अगर वो ऐसा ना करता, आई वुड हैव रुइंड आवर प्लान बाय बस्टिंग लाइक ग्रेन्स, तो समझ लो हमारा प्लान बिल्कुल वैसा ही हो जाता जैसे कि अनाज बर्बाद हो जाता है, दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, जो धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। कहने का मतलब, जब अनाज को धूप में सूखने के लिए रखा जाता है, मान लीजिए बारिश पड़ गई या पानी गिर गया, तो अनाज बर्बाद जैसे हो जाता है, वैसे ही हमारा प्लान बर्बाद हो जाता अगर शास्त्री ने ऐसी बातें न की होती। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वाट आई सेड आफ्टर वर्ड्स, मैं बहुत ही सावधान था जो जो मैंने शब्द इसके बाद बोले। शास्त्री टर्न्ड टू रंगा, शास्त्री रंगा की ओर मुड़ा। When did the young son of our accountant clerk come here? हमारे लेखाकार का पुत्र कब आया? What can I do for him? मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? It's very rarely that he visits here. ये बड़ी दुर्लभ बात है कि वो यहाँ विजिट करने आता है। मतलब वो शास्त्री का बेटा जो है, लेखाकार का जो बेटा है, वो शास्त्री जी के पास बहुत कम विजिट करने आता है। टेक आउट योर पैरा फिर ने लिया, तो फिर राइटर कहते हैं शास्त्री जी से कि आप अपनी पोथी निकालो, पैरा फिर ने लिया निकालो। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, ये जो हमारा रंगप्पा है या रंगा है, इसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट इज वरिंग हिम, क्या आप बता सकते हो कि उसे क्या परेशान कर रहा है। Shall we put your science of astrology to the test? क्या हम आपके ज्योतिष विज्ञान का परीक्षण ले सकते हैं। There was authority in my voice as I spoke to शास्त्री, ज्यों ही मैंने शास्त्री से ये बात बोली तो मेरी बातों में एक जिम्मेदार इंसान झलक रहा था। He took out two sheets of paper, उसने दो पेपर निकाले, some cowries and a book of palmyra leaves, कुछ कौड़ी निकाली और पत्ते पर लिखी हुई एक बुक निकाली। सेइंग कहने लगा, आवर्स इज एन एंशियंट साइंस अय्या, भैया हमारा विज्ञान बहुत पुराना विज्ञान है। देर इज ए स्टोरी टू इट,
इस विज्ञान में एक कहानी है बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं वो कहानी अभी नहीं सुनाऊँगा। दिस इज नॉट ए हरी कथा, ये कोई हरी कथा नहीं है, विच अलाउ यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, जो आपको अनुमति दे दे एक कहानी सुनाने के लिए एक कहानी के अंदर। यू मे गेट बोर्ड, तुम बोर हो सकते हो। आई विल टेल यू इट टू यू सम अदर टाइम, मैं ये कथा आपको किसी और समय सुनाऊँगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड। शास्त्री अपने होठों को बहुत तेज़ी से हिला रहा था और अपनी उंगलियों पर कुछ गिन रहा था, फिर उसने पूछा, व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारा तारा क्या है या तुम्हारा नक्षत्र क्या है। रंगा डिडंट नो, रंगा नहीं जानता था, नेवर माइंड, तो कोई बात नहीं, शास्त्री इंडिकेटेड विद ए शेक ऑफ हिज हेड। शास्त्री ने अपना सिर हिला करके संकेत दिया। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, गंभीर मुद्रा में कुछ बोलने से पहले उसने काफ़ी ज़्यादा गणना किया है। और फिर क्या बोलता है शास्त्री जी, किससे, रंगा से, इट्स अबाउट ए गर्ल, ये एक लड़की है, मतलब जो रंगा की प्रॉब्लम है वो एक लड़की के कारण है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल द वाइल, सारा समय मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि ये मिली भगत थी, किसके किसके बीच, राइटर और शास्त्री जी के बीच। प्लान क्या था, प्लान ये था कि रंगा की शादी करवाना था, किससे, रत्ना से, आगे सुनिए। बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मैं ठहाका लगाकर हंसने लगा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की ओर मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, वास्तव में वही हुआ जो मैंने कहा था। हु इज द गर्ल, कौन लड़की है, ये सवाल पूछा गया शास्त्री जी से। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, ये आपका नौकर है जो आपसे ये प्रश्न कर रहा है। शास्त्री, ये मतलब प्रश्न रंगा ने किया। शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री आंसर देने से पहले कुछ देर सोचा। सी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, उस लड़की का नाम संभवतः समुंदर में पाई जाने वाले किसी चीज़ का नाम है। यानी शास्त्री जी ने डायरेक्ट रत्ना कहना नहीं चाहा। तो कमला, मतलब समुद्र में तो कमल भी खिलता है, कमला नाम तो नहीं है, मे बी, हो सकता है कमला नाम हो। उसके बाद फिर क्या होता है, कुड इट बी पक्षी मौस, या फिर ये हो सकता है कोई पंछी मौस भी हो सकता है, समुद्र में पाया जाने वाला एक पंछी होता है। मस्ट इट बी मौस इफ़ इट्स नॉट कमला, ज़रूर अगर ये कमल नहीं होगा, कमला नहीं होगा, तो ये पंछी मौस ही होगा। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन, क्यों नहीं मोती या रत्न हो सकता है जो कीमती पत्थर होता है। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव्स हाउस इज रत्ना, रत्ना रामा राव के घर में रहने वाली लड़की का नाम रत्ना है। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ अवर निगोसिएशंस बियरिंग फ्रूट, फिर रंगा पूछता है शास्त्री जी से कि मुझे बताइए कि क्या हमारा जो प्यार चल रहा है, क्या जो हमारा और रत्ना के बीच में प्यार चल रहा है, और उधर से जो नकार चल रहा है, यानी कि राइटर ने रंगा को बताया था कि रत्ना की शादी हो गई थी, तो वही जो है रंगा पूछता है क्या हमारा जो प्यार है और जो हमारे प्यार में जो अड़चन चल रही है, निगोसिएशन चल रहा है, क्या उसका कोई नतीजा निकल सकता है। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, निश्चित रूप से उसने कहा थोड़ा देर सोचने के बाद। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, रंगा के चेहरे पर एक आश्चर्य था, एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशियाँ थी। आई नोटिस्ड इट, मैंने इसको ध्यान से देखा। बट दैट गर्ल इज मैरिड आई सेड, लेकिन मैंने कहा कि उस लड़की की तो शादी हो चुकी थी। देन आई टर्न टू हिम, फिर मैं रंगा की ओर मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, अब उसका चेहरा लटक गया। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, शास्त्री ने कहा। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सूटेबल, हो सकता है कोई और लड़की हो जो सूटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू वाट अवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री सेड, मैंने तो वही बात बताया जो हमारा शास्त्र संकेत देता था, शास्त्री ने कहा।
वी लेफ्ट द प्लेस, हम लोगों ने वो जगह छोड़ दिया। ऑन द वे, रास्ते में वी पास बाई रामा राव हाउस, रास्ते में हम रामा राव के घर के पास से गुजरे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट अलोन एंड केम आउट ए मिनट लेटर, मैं अंदर गया और एक मिनट बाद बाहर आया। सरप्राइजिंग, आश्चर्य की बात है। द गर्ल इज नॉट मैरिड, लड़की की शादी नहीं हुई। इट सीम्स, ऐसा लगता है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट सी वाज, लेकिन किसी ने मुझसे एक अन्य दिन कहा था कि उसकी शादी हुई थी। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, आखिरकार जो शास्त्री ने हमें बताया वो सच होने वाला है। बट रंगप्पा, लेकिन रंगप्पा आई कॉन्ट बिलीव दैट यू हैव बिन थिंकिंग ऑफ हर, लेकिन रंगप्पा मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे, मतलब रत्ना के बारे में सोच रहे थे। सिवेर ऑन द नेम ऑफ द माधवचार एंड टेल मी, माधवचार के नाम पर कसम खाओ और मुझे बताओ। इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, क्या ये सच है जो शास्त्री ने कहा। आई डू नॉट नो विदर एनी वन इल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, मैं नहीं जानता हूँ कि किसी के साथ ऐसा प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार किया। देर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, शास्त्रों में बड़ी सच्चाई होती है जो तुलना में जो हम कल्पना करते हैं। व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो शास्त्री ने बताया है वो पूर्ण रूप से सच है। शास्त्री वाज एट द वेल, शास्त्री कुएं के पास था। व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, जब उस शाम मैं वहाँ गया। आई सेड, मैंने कहा। सो शास्त्री गेल, तो शास्त्री महाराज, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, आपने उन सारी चीज़ों को दोहरा दिया जो मैंने आपको सिखाया था और बिना कोई संदेह उत्पन्न किए। व्हाट ए मार्वलस शास्त्र योर्स इज, तुम्हारा शास्त्र भी क्या अजीबोगरीब शास्त्र है। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, वह बहरहाल इन चीज़ों को पसंद नहीं करता था। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं। व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्राम द शास्त्र, जो आपने मुझे बताया वो सब चीज़ें मैं खुद शास्त्र से पा चुका हूँ। डोंट फॉरगेट, मत भूलिए। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, मैंने तो सारी कहानी उस हिंट के आधार पर तय किया जो आपने मुझे दिया था। टेल मी दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, टेल मी इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, मुझे बताओ क्या एक संभ्रांत आदमी ऐसी बात करता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, रंगप्पा एक दूसरे दिन मुझे डिनर पर इनवाइट करने आया। व्हाट्स द ओकेजन, क्या अवसर है। आई आस्क, मैंने पूछा। इट्स श्यामाज बर्थडे, आज श्याम का बर्थडे। ही इज 3, वह 3 साल का हो गया। आपको बता देना चाहता हूँ कि रंगा की शादी रत्ना से हो चुकी है और उसका 3 साल का बच्चा है। उस बच्चे का नाम श्यामा रखा गया है और वो 3 साल का हो गया है। उसी का बर्थडे है, उसी के बर्थडे में रंगा ने राइटर को बुलाया है। आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि राइटर का नाम श्याम है जिसने रंगा की शादी फिट करवाई थी। तो समझ गए, आगे सुनिए। इट्स नॉट ए नाइस नेम श्यामा, आई सेड, मैंने कहा। ये श्याम अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, जहाँ तक मेरी बात है मैं तो एक काले तेल का केक जैसा हूँ। तो राइटर कहता है कि जहाँ तक मेरी बात है मैं काले तेल से बना हुआ केक जैसा हूँ, यानी मैं काला हूँ तो मेरा नाम श्याम है, लेकिन आपने अपने बच्चे का नाम श्याम क्यों रख दिया। वाई डिड यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम, आपने अपने सुनहरे बच्चे का नाम ऐसा नाम क्यों रख दिया। व्हाट ए चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू, और आप लोग भी कितने मूर्ख टाइप के जोड़ा हो, रत्ना और तुम। आई नो, मैं जानता हूँ। इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, ये तुम लोग का अंग्रेजी रीति रिवाज है कि किसी के नाम पर नाम रख देते हो। योर वाइफ इज 8 मंथ्स प्रेगनेंट नाउ, तुम्हारी पत्नी अब 8 महीना गर्भवती है, 8 महीने की गर्भवती है। हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तुम्हारी माँ की भोजन पकाने में सहायता करने के लिए कौन है। माई सिस्टर हैज कम विद हर, मेरी बहन उसके साथ है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ डिनर करने गया। श्यामा रज टू मी, श्यामा मेरे पास दौड़ कर आया। श्यामा का मतलब रंगा का बेटा। वेन आई वॉक्ड इन, जब मैं अंदर गया था। एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, और श्यामा ने मेरे पैरों को अपने हाथों से पकड़ लिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसके गाल पर एक किस किया। एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर,
और उसकी छोटी सी उंगली में मैंने एक अंगूठी पहना दिया, मतलब बर्थडे गिफ्ट दे दिया। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, तो पाठकों अब मुझे छुट्टी देने की अनुमति करिए। आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा यहीं हूँ आपकी सेवा करने के लिए तत्पर। यू वेर नॉट बोर्ड आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। थैंक यू।